हेलो फ्रेंड्स, मैं ओधीरज और आज की इस वीडियो में मैं ब्लैक होल के बारे में टॉप एनिजमेटिक फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो टाइटल्ड टॉप अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द ब्लैक होल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है और इसी एडवांसमेंट का प्रूफ है कि 2019 में एक रियल ब्लैक होल का रियल पिक्चर लिया गया। 10 अप्रैल 2019 अंतरिक्ष विज्ञान का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इसी दिन नासा के वैज्ञानिकों ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप्स के नेटवर्क की मदद से गैलेक्सी M87 के सेंटर में स्थित एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज की थी और उसका वास्तविक पिक्चर भी लिया गया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में वह जगह होती है जहां पर फिजिक्स के सभी लॉज इनवैलिड हो जाते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में, ब्लैक होल के अंदर फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी पार्टिकल इसके अंदर से बाहर एस्केप नहीं कर सकता। इवन फोटोन पार्टिकल्स जो कि लाइट को बनाते हैं और जिनका मास 0 के बराबर होता है, उन्हें भी ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है। ब्लैक होल वास्तविकता में एकदम डार्क होता है, इसलिए हम डायरेक्ट टेलीस्कोप से ब्लैक होल को नहीं देख सकते। इस पर आपका सवाल होगा कि अगर हम ब्लैक होल को देख ही नहीं सकते तो नासा ने ब्लैक होल की तस्वीर को कैसे लिया। राइट, मेरे पास इसका जवाब है। लेट मी एक्सप्लेन। नासा ने जो इमेज जारी किया है वह ब्लैक होल का इवेंट होराइजन है, मतलब कि ब्लैक होल का सबसे ऊपरी हिस्सा। ब्लैक होल के तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सिंगुलैरिटी, सेकेंड श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस R=2gm/c². एंड थर्ड इवेंट होराइजन। तो हम इससे पहले कि सारे कंपोनेंट्स की जानकारी दें, हमें सबसे पहले सिंगुलैरिटी के बारे में जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सिंगुलैरिटी की बात करें तो सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का वो हिस्सा होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा तथा वहाँ की ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का वह हिस्सा होता है जहाँ पे ब्लैक होल का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। थ्योरीज के अकॉर्डिंग सिंगुलैरिटी पॉइंट पर इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है और कोई भी ऑब्जेक्ट सिंगुलैरिटी को एस्केप नहीं कर सकता। अब डिस्कशन करते हैं ब्लैक होल के दूसरे कंपोनेंट की, यानी कि श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस की। यह रेडियस ब्लैक होल के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल बनाने के लिए उसे उसके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस तक कंप्रेस करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए, अर्थ का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस है 1.75 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हम किसी तरह अर्थ को 1.75 सेंटीमीटर तक कंप्रेस कर दें तो यह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पॉइंट आता है ब्लैक होल के आउटर कंपोनेंट, दैट इज इवेंट होराइजन की। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के आसपास का वह बाउंड्री होता है जिसके अंदर जाने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट वापस नहीं आ सकता। मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में इवेंट होराइजन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का एस्केप वेलोसिटी लाइट के स्पीड से ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर चला गया तो वो बाहर नहीं आ सकता। अब प्रश्न उठता है कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं और क्या ब्लैक होल का कोई अपोजिट भी होता है, क्या वाइट होल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जब भी कोई स्टार जो हमारे सूर्य से 7 गुना या उससे भी बड़ा हो, अपने पूरे फ्यूल को न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू ख़त्म कर लेता है तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला, या तो वह सुपरनोवा एक्सप्लोजन करके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए, या अपनी सारी एनर्जी को स्पेस में रेडिएट करके खुद को एक वाइट ड्वार्फ स्टार में बदल ले। अगर वह स्टार हमारे सूर्य से 7 गुना मैसिव और बड़ा है तो वह डेफिनेटली ब्लैक होल बनेगा। जबकि अगर वह हमारे सन की तरह ही मिडिल क्लास स्टार है तो वह फ्यूल ख़त्म करने के बाद एक वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। अब प्रश्न आता है कि क्या वाइट होल्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ साल पहले की बात करें तो ब्लैक होल्स भी सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ही एग्जिस्ट करते थे, मतलब सिर्फ हाइपोथेटिकली ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस था, लेकिन यह कैलकुलेशन आखिर सच निकली। इसी तरह अगर हम साइंटिस्ट की प्रेडिक्शंस को सच मानकर चलें तो ब्लैक होल के बिल्कुल अपोजिट वाइट होल होते हैं।
वाइट होल्स हमेशा ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर से बाहर रिलीज करते रहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल्स और वाइट होल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो कि स्पेस में वर्म होल्स बनाते हैं, जो एक पोर्टल के तरह काम करता है। मतलब लोकल लैंग्वेज में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का मैजिकल रास्ता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।